नूरपुर की पंचायत खनी उपरली के सूबेदार राजकुमार रविवार देर रात श्रीनगर के बड़ा ग्राम में उग्रवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। रविवार रात करीब 1:30 बजे शहीद के परिजनों को ये दुखद सूचना मिली। सोमवार ये सूचना सारे गांव में फैलते ही शहीद के घर लोगों का हजूम उड़ गया और हर कोई परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहा था। परिवार पर अचानक हुई व्रजपात से हर कोई स्तंभ था। वहीं शहीद की पत्नी तुलसी देवी का रो रो कर बुरा हाल है कि जिस रात को उन्होंने अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, अपने पति से फोन पर बात करके उन्होंने अपना व्रत खोला, उसी रात उसका सुहाग भी उजड़ गया। उनके भाई सरदारी लाल ने बताया कि उनका भाई बचपन से ही दिलेर था और सेना से जुड़े साथी भी अक्सर उनकी दिलेरी की चर्चा करते थे कि वे काफी निडर हैं और दिलेर सूबेदार थे और विकट परिस्थितियों में सदैव आगे बढ़कर कमांड करते थे। ऐसे भाई की शहादत पर उन्हें गर्व है, लेकिन आखिर कब तक देश के वीर सैनिक इन उग्रवादियों के छेड़े गए छदम से जूझते रहेंगे। केंद्र सरकार उग्रवाद को सख्ती से कुचलने का पूरा प्रयास करना चाहिए और पाक आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कुमार जी, हम आपसे मित्र भी रहे हैं, आप क्या जानते हैं उनके कितने भी? बहुत दलेर और नेक इंसान थे वो, और उनकी बहुत ही अपने गांव में बड़ी अच्छी एक इमेज थी। हर से मेल, हर बंदे से मेल मिला, प्यार था, इसलिए आज पूरा गांव में उनके लिए रो रहा है, बच्चे बच्चे सब। आप क्या सरकार से कोई डिमांड करना चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर में जो नूरा किश्ती की जो बात चली हुई है, हर दिन हमारे जवान मर रहे हैं, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान वालों को। जिसका बाप मरा है, जिसका पति गया है, उनकी आप देख रहे हो क्या हालत है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इस तरह से नौजवान पीढ़ी पर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन शहीदों को आने वाली पीढ़ी याद रखे। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार शहीद के पार्थिव शरीर सोमवार देर शाम तक हवाई मार्ग से पठानकोट पहुंचने की उम्मीद है। शहीद सूबेदार नूरपुर क्षेत्र की खनी पंचायत के निवासी थे। वे पंजाब रेजिमेंट में इस समय सूबेदार थे और वर्तमान में श्रीनगर में सेवाएं दे रहे थे। 45 वर्षीय शहीद के चार भाई हैं। शहीद की पत्नी तुलसी देवी और उसके दो बेटे रोहित जो कि 11वीं कक्षा में है और मोहित 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। तो कैसे पता चलता, कब लास्ट पर बात कभी हुई? रात कितने बजे? रात 9। तो कैसे पता चला? सुबह बताया। ये हादसा रात का हुआ? अच्छा बेटे, आप क्या क्या बनना चाहते हैं आगे, क्या टारगेट आपका? आर्मी में जाना चाहते। ये कैसे करना चाहिए, पापा की कमी करना पूरी करना चाहते हैं? आपको कोई संदेश है तो जो आप छुपाना चाहते हो, जिस सरकार से कोई मांग करना चाहते हैं? पानी पी लाया मेरे छानी मुंडे, तू रोटी का मैं बाद फोन करना। आपको कैसे पता चला? मेरे खुद में सुबह मेरे जेठ लेने गए थे। अच्छा।